जी हाँ दोस्तों, एशिया कप 2023 में भारतीय टीम ने श्रीलंका की टीम को बुरी तरह से मसलने के लिए टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय टीम की घातक प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी है, जिसे देखकर श्रीलंका की टीम ने मैच शुरू होने से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली है, क्योंकि अब एशिया कप 2023 में सुपर फोर के मुकाबले शुरू हो चुके हैं, जहां पर श्रीलंका आज सुपर फोर का अपना पहला मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। अगर यह मुकाबला श्रीलंका की टीम हारती है तो उसे 12 सितंबर को भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले मुकाबले में हर हाल में जीतना होगा। तो वहीं भारतीय टीम भी अपना सुपर फोर का आगाज 10 सितंबर को पाकिस्तान की टीम के साथ करेगी। यह भी भारतीय टीम के लिए काफ़ी अहम मुकाबला होने वाला है। अगर टीम इंडिया 10 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ मैच हारती है तो उसे भी श्रीलंका की टीम के लिए हर हाल में हराना ही होगा, तभी भारतीय टीम एशिया कप 2023 के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना सकती है। इसीलिए अहम मुकाबला काफ़ी कड़ा होने वाला है। इसी को लेकर भारतीय टीम के पूर्व कप्तान धोनी ने टीम में ऐसे ऐसे खतरनाक खिलाड़ियों की वापसी कराई है, जिससे अब टीम इंडिया की जीत लगभग पक्की मानी जा रही है। तो वहीं श्रीलंका की टीम ने भी अपने इस मुकाबले जीतने के लिए जी जान से मेहनत कर रही है, क्योंकि यह मुकाबला श्रीलंका की टीम के लिए अहम होने वाला है, क्योंकि एशिया कप भी श्रीलंका में हो रहा है, इसलिए उसे ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा है। लेकिन भारतीय टीम भी कम नहीं है। इसी को लेकर भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने धोनी से सलाह लेकर टीम इंडिया में कई घातक खिलाड़ियों की वापसी कराई है, इसलिए अब भारतीय टीम हर हाल में श्रीलंका को ही हरा कर रहेगी। हालांकि भारतीय टीम का श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप में बेहद शानदार रिकॉर्ड रहा है, लेकिन पिछली बार जिस तरह से श्रीलंका ने भारत को एशिया कप में हराया था वह टीम इंडिया के लिए बड़ा झटका है। लेकिन फिर भी भारतीय टीम का इस समय टॉप ऑर्डर पूरी तरह से पाकिस्तान के खिलाफ फ्लॉप साबित हुआ था। हालांकि उन्होंने नेपाल के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम को पूरी तैयारी से उतरना होगा। इसी को लेकर यह मुकाबला 12 सितंबर को दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा। इसी को लेकर टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने तथा धोनी ने मिलकर भारतीय टीम की घातक प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी है, जिसमें टीम की ओपनिंग जोड़ी करते हुए नजर आएंगे रोहित शर्मा और शुभमन गिल, क्योंकि यह दोनों खिलाड़ी इस समय एशिया कप में काफ़ी शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इन्होंने लीग मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन इन्होंने नेपाल के खिलाफ जिस तरह से प्रदर्शन करके भारतीय टीम को जीत दिलाई थी, इससे टीम इंडिया की उम्मीद और बढ़ गई है और यह दोनों खिलाड़ी इस समय काफ़ी खतरनाक फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद 3 नंबर के लिए भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने विराट कोहली को चुना है, जो अभी तक एशिया कप में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि वह जल्द ही फॉर्म में वापसी करेंगे। अगर विराट कोहली फॉर्म में आ गए तो किसी भी टीम के खिलाफ रन बना सकते हैं और भारतीय टीम की जीत लगभग पक्की मानी जाएगी। इसके बाद 4 नंबर के लिए रोहित शर्मा टीम की प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव करने जा रहे हैं, जहां पर श्रेयस अय्यर अगर फ्लॉप साबित हुए तो उनकी जगह अब टीम में सूर्य कुमार यादव या तिलक वर्मा में से किसी एक खिलाड़ी को एंट्री दिलाई जा सकती है। हालांकि श्रेयस अय्यर का वनडे क्रिकेट में बेहद शानदार रिकॉर्ड रहा है, लेकिन वह चोट के बाद वापसी की है, लेकिन उससे वह फॉर्म में पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके बाद 5 नंबर के लिए रोहित शर्मा ने पाकिस्तान की टीम के खिलाफ धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय टीम के उभरते हुए युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ईशांत किशन को चुना है। हालांकि इस मुकाबले के लिए केएल राहुल की भी टीम इंडिया में वापसी हो जाने से इन दोनों खिलाड़ियों में काफ़ी जद्दोजहद देखने को मिलेगी, क्योंकि यह दोनों खिलाड़ी शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि रोहित शर्मा इन दोनों में से किसको टीम इंडिया में खिलाने का मौका देते हैं। इसके बाद 6 नंबर के लिए पाकिस्तान की टीम के लिए अकेले ही नाकों चने चबाने वाले टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या मौजूद हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ
धमाकेदार 79 रन की शानदार पारी खेली थी और टीम इंडिया के लिए एक मजबूत स्थिति में पहुंचाया था। हालांकि वह मैच बारिश के कारण नहीं हो सका था। इसके बाद 7 नंबर के लिए टीम के पास नेपाल के खिलाफ धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा मौजूद हैं, जो अपनी बल्लेबाजी तथा गेंदबाजी से दोनों से कमाल कर सकते हैं। इसके बाद 8 नंबर के लिए टीम के पास स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव है। हालांकि वह जिस तरह से वेस्ट इंडीज के खिलाफ प्रदर्शन किया था, अभी तक वह एशिया कप में उस तरह से प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि वह जल्दी फॉर्म में वापसी करेंगे। इसके बाद 9 नंबर के लिए दोबारा से टीम के साथ जुड़ने वाले खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह मौजूद हैं, जिनके आने से भारतीय टीम और भी मजबूत हुई है। इसके बाद 10 नंबर के लिए टीम के पास मोहम्मद सिराज जैसे घातक तेज गेंदबाज मौजूद हैं, जो इस समय एशिया कप में काफ़ी खतरनाक फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद 11 नंबर के लिए टीम के पास एक और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह मौजूद हैं, जो भी इस समय एशिया कप में घातक फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। इसी प्लेइंग 11 के साथ भारतीय टीम एशिया कप 2023 की सुपर फोर के मुकाबले में श्रीलंका की टीम को बुरी तरह से मसलने के लिए मैदान पर उतरेगी और टीम इंडिया के कप्तान धोनी भी यही प्लेइंग 11 का रोहित शर्मा को समर्थन प्रदान कर रहे हैं।